बोलो क्या कहते, अल्लाह के नाम अल्लाह के नाम पे दे दे। ये बोतल। बाय बाय बेस्ट। तो हाय गाइस, वेलकम बैक माय ब्लॉग चैनल। और सुबह 5:30 बज रहा है अभी, आप जान रहे हैं। और स्कूल बच्चों का स्टार्ट हो गया है, हमारा डेली रूटीन स्टार्ट हो गया। अभी तक बहुत आराम था। और इसका एडमिशन उदिया में कराया गया है, न्यू एडमिशन है। और इसके लिए मतलब ऑटो वगैरह कराएगा, पर आज ऑटो आएगा नहीं। आज इनके पापा जी छोड़ने जाएंगे, तो इनका स्कूल जो है 7:30 बजे से है। और मैं उठ गई हूँ अभी, मैं नहा लूँ, पहले ब्रश वगैरह कर लूँ। मेरा ब्रश, पुराना ब्रश ख़राब हो गया, तो मैं कल नया ब्रश लेके आई हूँ। पहले मैं ब्रश करके नहा लूँ, फिर मैं इन लोग को जगा रू को जगाऊँ तैयार होने के लिए। उसके बाद मुझे लंच बनाना है। ये इनको मैंने जगा दिया है। अरे बड़ी खुश है स्कूल जाने के लिए। ये मेरा बाबू सो रहा है, इसका भी देर से है स्कूल। और बज गया है 6:10, और मैंने पूजा भी कर लिया नहा के। तो मैं नहा आ चुकी हूँ, मैंने पूजा भी कर लिया। अब मैं जा रही हूँ, मेरी ड्यूटी किचन में लगेगी, क्योंकि इनका जल्दी जाना है और अधिनों को थोड़ा देर जाना है। तो पहले मैं इनका लंच सब बना देती हूँ। सबसे पहले मैं जा रही हूँ किचन, पहले मैं जा रही हूँ मतलब मंदिर जाऊँगी, क्योंकि मैं मतलब पर डे जाती हूँ शंकर भगवान के मंदिर पे जल चढ़ाने। तो पहले मैं मंदिर जा रही हूँ, फिर मेरी ड्यूटी किचन में लगेगी। तो गाइस मैं नीचे आ गई हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। सबसे पहला काम मंदिर जा रही हूँ। और देख रहे हैं रास्ता कैसे खोदे हैं, दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा है, तो भयंकर खोदे हैं, फिर निकलना भी मुश्किल है। सुबह सुबह तब ये पूरा गेट और मेरा बर्बाद करती है खोद के। तो देखिए मंदिर ज्यादा दूर नहीं है, मोहल्ले में ही है। तो गाइस मैं मंदिर से आ गई हूँ किचन में, और इनके लिए बनाना था सैंडविच। तो आलू मैंने रात में ही उबाल के रख दिया था फ्रिज में, और अब मैं जा रही हूँ बनाने सैंडविच। और ये रेडी होके आ गई हूँ और इतनी खुश सजाने के लिए स्कूल। इनका पूरा गेटअप, हाँ ये अपना बोतल वोतल भरने। अरे वाह, सॉक्स सॉक्स नया पहन लिया, यूपीएस पहचान, यूपीएस होती है पब्लिक है। तो गाइस ये बन रहा है सैंडविच, और ये बन रहा है आलू का पराठा, ये टमाटर की चटनी। ये
तो गाइस मेरा आलू का पराठा बन रहा है और ये मेरी चाय बन रही है और ये दिनों की टिफिन पैक हो गई और ये अपना टिफिन पैक कर ली है, बॉटल भर गया है और ये एक अनजान व्यक्ति है बाहर आके खाना खा कह रहे हैं कि क्या कह रहे, बोलो 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 क्या कहते, अल्लाह के नाम पे अल्लाह के नाम पे दे दे चुटी करो। चुटी करो। दे चाय रुको, पापा को चाय दे पहले, पराठा मिल चुका है पापा को। तो गाइस गुड़िया मेरी रेडी हो गई है स्कूल जाने के लिए, ये बोतल बाय बाय बेस्ट ऑफ लक। तो गाइस अरु स्कूल जा चुकी हैं और नाश्ता तो मेरा बन ही चुका था, ये खा चुके हैं, पापा को मैं दे के आ गई हूँ, पापा भी खा रहे क्योंकि वो भी सुबह नहा लेते हैं, सबसे पहले वही उठते हैं, पूरे घर में दो लोग उठते हैं, एक ये हस्बैंड मारे एक पापा ससुर जी, तो उनको भी मैं नाश्ता दे, वो नीचे नाश्ता कर रहे हैं और अभी मैं ऊपर आई हूँ और अभी समय है 7:30 ही बज रहा है, अभी अभी सो रहा है तो मैंने सोचा कि मैं भी चाय पी लेती हूँ फिर मैं इनको जगाऊंगी क्योंकि इनका स्कूल जो है वो 8:30 बजे से है, फिर मैं इनको तैयार करूँगी तब तक इनको सोने देते हैं। तो मैं अपना चाय और पराठा लेके आई हूँ, मैं जा रही हूँ खाने। तो गाइस गुड़िया मेरी चली गई है और मेरा गुड्डा भी स्कूल जा रहा है और ये LKG में आ गया अब बाय बाय दिनो, आज मेरा दिनों नए क्लास में बैठेगा LKG। जल्दी आइएगा, जल्दी आइएगा। तो गाइस सब लोग चले गए हैं और ये भी गया ऑफिस, अजनो भी गया और मेरा नाश्ता भी बन गया था, सब कुछ मैंने भी खावा लिया, अब मैं थोड़ी देर मतलब बैठी हूँ रिलैक्स। ये लोग गए बहुत दिनों बाद, नहीं तो फ़ोन नहीं मिलता था पूरा टाइम, दोनों बच्चे फ़ोन लिए रहते थे, दो फ़ोन होने के बावजूद भी दोनों फ़ोन लिए रहते हैं, एक फ़ोन वो एक फ़ोन वो, आज बहुत दिनों बाद मुझे फ़ोन मिला है। तो बच्चे गए, मन तो नहीं लग रहा है लेकिन तब भी थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है कि फ़ोन तो नहीं चलाएंगे ये लोग। तो गाइस मैं अभी बेड खोली हूँ और मैं मतलब जो गर्मी वाले कपड़े निकाल रही हूँ और ये मतलब वूलन कपड़े मैं पहले ही रख दी थी, गर्मी आ गई थी और अभी तो काफ़ी गर्मी लगने लगी है, तो अभी तक बच्चे फुल टी शर्ट वगैरह सब पहन रहे थे तो अब मैं उसको भी रख दे रही हूँ उठा के, क्योंकि होली के बाद से ही गर्मी बहुत अच्छी खासी गर्मी स्टार्ट हो गई है, तो फुल टी शर्ट वगैरह मैं इन लोग का रख दे रही हूँ बेड में और हाफ टी शर्ट जो है उसको मैं निकाल दे रही हूँ गर्मियों में पहनने के लिए। तो सारे कपड़े मैंने सेट कर दिया है गाइस और अभी मैं बिस्तर सही कर दूंगी, और सुबह जब ये जा रहे थे तो मुझसे बोल के गए थे कि रूम साफ़ कर देना क्योंकि इनको सफाई बहुत पसंद है, फिलहाल मुझे भी पसंद है, वैसे भी मेरा रूम साफ़ रहता है, और जाते जाते बोल गए थे कि पंखा भी साफ़ कर देना और मैं कपड़ा पहन चुका हूँ तुम साफ़ कर देना, फिलहाल यही साफ़ करते, पंखा वगैरह छुट्टी रहती है तो, लेकिन अभी कह इधर छुट्टी नहीं थी ना, इनका मार्च क्लोजिंग चल रहा था तो घर पे रह नहीं रहते तो सफाई ठीक से कर नहीं पा रहे थे, तो मुझसे बोले कि तुम कर देना। तो गाइस रूम मेरा सही हो गया है और झाड़ू पोछा भी आंटी आके करेंगी, और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा।